कि इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं एल्कोहलो का आयु पी नामकरण क्या होता है क्या इसकी पिछली कक्षा में हम लोग एल्केन एल्किन एल्काइन के आयु पी नामकरण के बारे में जान लिए थे अगर आप लोग उसमें लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उसका चेकआउट कर लीजिए क्योंकि उससे काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा जो रोल एल्केन एल्किन एल्काइन में यूज होता है वही रोल सेम टू सेम एल्कोहल में भी यूज होता है सिर्फ इसमें प्रीफिक्स चेंज हो जाता है तो गाइज आइए अब हम लोग एल्कोहल के बारे में जानेंगे एल्कोहल के बारे में जानने से पहले आइए हम लोग उसके रोल के बारे में जानते हैं तो गैज जो इसका रोल होता है जो वही एल्किन एल्केन एल्काइन का था सेम वही इसमें होता है तो गाइज इसका जो रोल होता है पहले क्या आता है तो पहले इसमें आता है प्रीफिक्स प्रीफिक्स प्लस रूटवर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स तो गाइज अब यहां पर जो है प्रीफिक्स क्या गाइज प्रीफिक्स यहां पर सी एस थ्री सी एस टू ये सब आएगा आएगा हाँ गाइज इसमें भी आएगा तथा तो इसके साथ साथ इसमें जो है जो यहां पर प्राइमरी सफिक्स जो होता है इसमें एल्कोहल का भी यूज होता है मतलब गाइस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल के लिए यहां पर केवल सफिक्स केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा सफिक्स सफिक्स का क्या यूज करते हैं आल तो गाइस जो एल्कोहल के लिए सफिक्स होता है इसके लिए यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं आल गैस आप लोग जानते हैं प्रीफिक्स में यहाँ पर सी एस थ्री इसके बाद सी एस टू ये सब नहीं मेथिल एथिल इसके बाद ऑल है, हाइलोजन आते हैं नाइट्रो आता है और इसके बाद रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या फिर प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है बॉन्ड आता है फर्स्ट बॉन्ड आता है तो इन लगाएंगे सेकंड बॉन्ड आता है तो इन लगाएंगे थर्ड बॉन्ड आता है तो आइन लगाएंगे इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स में ऑल फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो गाइस इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है एल्कोहल तो एल्कोहल के लिए क्या यूज करेंगे ऑल तो गाइस इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स होता है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आता है फंक्शनल ग्रुप वह क्या होता है वह ओएच होता है इसमें जो होता है फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वह ओएच होता है फंक्शनल ग्रुप ओएच होता है तो गाइस या इसका रूल होता है कि प्रीफिक्स में ऑल हेलोजन आते हैं नाइट्रो आता है फिर मेथिल एथिल ब्यूटिल ये सब आते हैं रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब एक कार्बन है तो मेथ यूज करेंगे दो कार्बन है तो एथ ऐसे ही करके आता है प्राइमरी सफिक्स में बाड आते हैं सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में क्या है ओ और... एच है तो गाइज आइए इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे गाइज दे दिया ऐसे मान आइए साइक्लो जो मतलब है चक्रीय यौगिक होते हैं इसमें कुछ आई यू नामकरण को जानते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया ओ एच OH, यहाँ पर जुड़ गया सी एच थ्री तो गायज अब आइए इसका आई ओ पी ए से नामकरण कैसे करेंगे तो गायज हम लोग जानते हैं आई ओ पी ए से नामकरण करने से पहले नंबरिंग को देखा जाता है नंबरिंग को देखने के पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले क्या है अगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आया है तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले फिर इसके बाद डबल बाड को कम से कम नंबर मिले फिर प्रीफिक्स आए तो अगर गायज कोई भी अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है उसके बाद सेकंड मतलब ये डबल बांड या ट्रिपल बांड आता है तो फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बांड या ट्रिपल बांड को सक्रियता देते हैं फिर इसके बाद जो होता है प्रीफिक्स प्रीफिक्स को देखते हैं तो गायज़ यहाँ पर एल्कोहल हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप है तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग वहाँ से गिनती करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा से कम से कम नंबर मिले इसके बाद हम लोग देखेंगे जो बॉन्ड आए डबल बॉन्ड इसको कम से कम नंबर मिले फिर इसके बाद हम लोग प्रीफिक्स को देखेंगे तो गायज़ हम लोग गिनती कहाँ से करें मान लीजिए अगर यहाँ से करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव तो नंबरिंग क्या मिलता है एक पे एल्कोहल मिलता है दो पे बांड मिलता है और पांच पे एल्किल मिलता है और अगर यहाँ से गाइस लेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव अगर यहाँ से लेंगे मेथिल से तो वन पे मेथिल मिलेगा टू पे एल्कोहल मिलेगा इसके बाद थ्री पे बांड मिलेगा फिर गाइस, अगर बांड से लेंगे अगर जैसे गाइंड अगर हम लोग बांड से लेंगे बांड से जैसे आई हम आपको ये समझा देते हैं अगर बांड से लेंगे ऐसा नहीं है कैसे एक दो तीन चार पाँच है ऐसा गाइस बांड वाले में नहीं गिना जाता जो साइकिल साइक्लो होते हैं जो चक्रीय यौगिक हो होते हैं उसमें ऐसे नहीं एक दो गाइज यहाँ से ऐसे गिनते हैं एक दो या एक दो ऐसे आने चाहिए नहीं तो गायज ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पे लिखे दो यहाँ गायज ऐसे इसमें नाम ऐसे इसमें काउंट नहीं करते हैं यह गलत प्रोसेस है जब भी काउंट करेंगे ऐसे करेंगे वन टू थ्री फोर तो गायज इसे हम लोगों को लेना देना है नहीं आइए हम लोग देखते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप है हम लोग वहाँ से गिनती करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले तो फंक्शनल ग्रुप वन हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा फोर हो जाएगा फाइव हो जाएगा तो अब यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप इसको कम से कम नंबर मिला फिर इसके बाद फंक्शनल ग्रुप मिलने के बाद अब हम लोग बांड को देखेंगे तो बांड को भी कम से कम नंबर मिला फिर इसके बाद आया मेथेल तो आइए अब हम लोग इसका नामिन क्लेक्चर करते हैं आयु पी तो गाइज अब मान लीजिए यहाँ पर हमने नंबरिंग कर लिया नंबरिंग करने का गायज यही प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हम लोगों को जो है फंक्शनल ग्रुप मिले क्रियात्मक समूह सबसे पहले मिले फिर बॉन्ड मिले फिर एथिल मिले अगर गाय जो बॉन्ड नहीं आया होता बॉन्ड नहीं आया होता तब हम लोग एल्कोहल के बाद सीधा प्रीफिक्स को कम से कम नंबर लाने तक का प्रयास करते हैं तो गायज यह हो गया तो गायज अब यह आप जान लीजिए अगर फंक्शनल ग्रुप आया है फंक्शनल ग्रुप के बाद ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड आया है तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बाद ये देखेंगे कि उस फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है फिर ट्रिपल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आए डबल बांध के बाद तब प्रीफिक्स को सक्रियता में लेंगे तो गाइज अब आइए हमने इसका काउंट कर लिया कि वन टू थ्री फोर फाइव तो गाइज अब आइए इसका आयु पी नामकरण करते हैं तो गाइज इसका नामकरण करने से पहले रूल क्या है प्रीफिक्स और प्रीफिक्स में क्या है मेथिल तो सबसे पहले हम लोग मेथिल को लिखेंगे मेथिल की पोजिशनिंग क्या है फाइव तो लिखेंगे फाइव मेथिल रूट रोटवर्ड के पहले गायज ये साइक्लिक कंपाउंड है मतलब ये चक्रीय योगिक है तो इसके लिए हमेशा यहाँ पर साइक्लो का यूज करते हैं के बाद हमेशा साइक्लो का यूज करते हैं हमेशा जब कभी भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप अगर साइक्लो में है तो प्रीफिक्स को लिखने के बाद हमेशा साइक्लो का यूज करते हैं तो गाइज यहाँ पर हो जाएगा फाइव मेथिल साइक्लो फिर इसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे रूटवर्ड रूटवर्ड में नंबर ऑफ कार्बन तो नंबर ऑफ कार्बन का इसमें कितना है? है, क्योंकि गाज यहां पर कार्बन यहां पर यहां पर कार्बन यहां, यहां यहां तो अब यहां पर पांच कार्बन है पांच कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे पेंट तो गाइज क्या हो जाएगा फाइव मेथिल साइक्लोपेंट, अब नेक्स्ट क्या है प्राइमरी सफेक्स प्राइमरी सबिक्स में क्या होता है बॉन्ड अगर एक बॉन्ड है तो एन लगाएंगे डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड है तो आन लगाएंगे तो गाइज अब यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड आया है तो डबल बॉन्ड को हम लोग लेंगे ये जो एक सिंगल बॉन्ड है इसे छोड़ देंगे तो इसमें हम लोग डबल बॉन्ड को लेंगे तो डबल बॉन्ड का पोजिशनिंग क्या है टू है तो क्या हो जाएगा टू इन गाइज इन क्यों यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर डबल बांड है डबल बाड है इसलिए टू को इसका पोजिशनिंग दिखाएंगे तो यहाँ पर टू और इन के लिए इन हो जाएगा डबल बांड। फिर इसके बाद क्या है सेकेंडरी सफिक्स तो यहाँ पर गैज क्रियात्मक समूह क्या है ओ एच है तो ओ एच को लिखने के लिए यहाँ पर इसका हम लोग पोजिशनिंग देखते हैं वन आल क्योंकि गायज सफिक्स इसका प्रीफिक्स क्या होता है आल होता है इसका क्या होता है सफिक्स इसका सफिक्स क्या होता है आल होता है तो गैज इसलिए यहाँ पर आल का यूज करेंगे तो गैज इसका क्या नाम हो गया फाइव मेथिल साइक्लोपेंट टू इन वन आल तो गैज आइए इसी प्रकार से दूसरे यौगिक का नाम ग्रहण करते हैं जैसे मालिया हो गया अभी गैज हम एल्कोहलो का साइक्लिक वाला कर रहे हैं अभी क्लोज वाला कर लें, साइक्लिक वाला अभी हम लोग ओपन वाला भी जानेंगे तो गाय जैसे मालैया हो गया यहां पर हो गया सी एच थ्री और यहां पर हो गया ओ एच और यहाँ पर आ गया डबल बाड तो गायज अब आइए इसका आई यू नामकरण करना है तो गायज आप लोग जान गए होंगे आईयू पी नामकरण करने से पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग में क्या होता है जो फंक्शनल ग्रुप आता है उसे कम से कम नंबर मिले फिर डबल बाड आए फिर डबल बाड को कम से कम नंबर मिले फिर यहाँ पर जो प्रीफिक्स आए फिर उसे तो अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है ओ OH है और यह क्या है यह क्या है यह क्या है यह क्या है यह है प्रीफिक्स यह है प्रिफिक्स और यह क्या है यह है फंक्शनल ग्रुप यह है फंक्शनल ग्रुप तो गायज अब यहाँ पर हम ऐसे नामकरण करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है इसे कम से कम नंबर मिले फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है जो डबल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले अगर गायज हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं वन टू तो, थ्री फोर फाइव तो गाइज यहाँ पर नंबरिंग क्या मिलता है वन टू थ्री जो फंक्शनल ग्रुप है इसे सबसे कम फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा ग्रुप को मिलता है डबल बांड को मिल रहा है तो गायज अब मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो एक पे एल्कोहल को मिलेगा दो पे मेथिल को मिलेगा तीन पे डबल बांड को मिलेगा और अगर हम लोग यहाँ से गिनती करते हैं यहाँ से तो हो जाएगा वन टू गाय अगर एक बार ऐसे नीचे करें वो जगह वन टू थ्री फोर फाइव तो गाय इसमें क्या नंबर मिल रहा है वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव तो गाइज इसमें कौन सा सही है यहाँ पर तीन है यहाँ पर तीन है लेकिन यहाँ पर पाँच आ जा रहा है तो इसके लिए नीचे वाला जो नंबरिंग है यह क्या है गलत है क्योंकि हमें यहाँ पर कम से कम नंबर को चाहिए तो कम से कम नंबर चाहने के लिए ये वाला सही है क्योंकि यहाँ पर देखिए गाइज अगर हम लोग इधर से भी चलेंगे तब पर भी तीसरे स्थान पर ही आए अगर इधर से भी आ रहे तीसरे स्थान पर है तो सही ये वाला पड़ेगा अगर इधर से आते तो वन थ्री फाइव पर मेथिल आता तो यह सही नहीं है और अगर इधर से आते 1, 2, 3, तो वन टू थ्री थ्री पे डबल बाड आ रहे हैं टू पे मेथिल आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है कि यह डबल बाड से छोटा है लेकिन गाय अगर इधर से आते तब पर भी तीन ही पे मिलता इधर पर आए तब पर भी तीन पर ही मिल रहा है तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है तो नंबर एक हम लोग इधर से करेंगे तो वन two, three, four, three, four, five. तो गाइज यह हो गया हम लोगों का नंबरिंग नंबरिंग करने में आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना होगा फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले फिर इसके बाद डबल बाड को या ट्रिपल बाड को कम से कम नंबर मिले फिर प्रीफिक्स आए तो गाइज यहाँ पर अगर हम लोग इधर से चलते तब पर भी तीन पर आता इधर से चले तब पर भी तीन पर आया है तो कोई दिक्कत नहीं है तीन पर हम लोग ऊपर को लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रीफिक्स जो है दो नंबर पर आ जा रहा है और अगर यहाँ से नीचे लेंगे डबल बांड तीन ही पर मिल रहा है लेकिन प्रीफिक्स ज़्यादा चला जा जा रहा है तो हम लोग ऐसे इसका नंबरिंग करेंगे तो गाय जब आइए इसका नाम लिखते हैं तो टू पे क्या है मेथिल है तो टू मेथिल टू मेथिल इसके बाद अब क्या है यह कैसा है साइक्लिक है साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम हम लोग हमेशा साइक्लो का यूज करते हैं साइक्लो अब इसके बाद क्या है अब प्रीफिक्स हो गया टू तो मेथिल्स इसके बाद यह साइक्लिक है तो इसके लिए यहाँ पे साइक्लो का यूज हो गया इसके बाद अब रूटवर्ड रूटवर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम तो यहाँ पर कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कार्बन है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे पेंट पेंट यूज करने के पश्चात अब गाय क्या है प्राइमरी सफिक्स हो गया अब रूट वर्ड हो गया अब हो गए अब हम लोग लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है फर्स्ट बाड के लिए एन का यूज करते हैं सेकंड बांड के लिए इन का यूज ट्रिपल बांड के लिए आइन का यूज तो गाय यहाँ पर सेकंड बांड आया है सेकंड बाड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे आइन एन इन सेकंड बांट के लिए इन का यूज करेंगे तो इसका पोजिशनिंग क्या है तो यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर लिखेंगे पेंट थ्री इन पेंट थ्री इन अब इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है तो एल्कोहल के लिए यहाँ पे लिख देंगे वन आल गाइज इसका भी पोजिशनिंग हम लोग दर्शाएंगे तो गाइज इसका इस प्रकार से होगा गाइज अब आइए साइक्लिक कंपाउंड में ही फिर से एल्कोहल का नाम इनके करते हैं जैसे मान लीजिए गाइज अब इस प्रकार से यह ऐसे होगा जैसे गाइज मान लीजिए ऐसे है और यहाँ पर एल्कोहल लगा है आप गाय इसका नाम इनकलैचर कैसे करेंगे तो गाइज अब हम लोगों को यह देखना है इसमें तो पहले आप इतना जान जाइए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ओ एच है तो हमें नंबरिंग उधर से करना है जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले अब गाइज हम लोग अगर यहां से करते हैं तो वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो गाइज अब वन यहाँ पर कितने में मिल रहा है एक मिल रहा है वन पे फिर इसके बाद टू पे फिर इसके बाद फोर पे फिर इसके बाद सिक्स पे वन वन पे टू पे फोर पे सिक्स पे और अगर गाय इधर ऐसे नीचे आते हैं अगर ऐसे आते हैं तो यहाँ पे वन टू तो क्या मिलेगा वन टू फिर इसके बाद अगर ऐसे आते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो यहाँ पर जोगा वन हो जाएगा टू इसके बाद फिर थ्री फोर फोर पे मिलेगा वन टू फोर फिर इधर आ जाएंगे सिक्स पर मिलेगा तो गाइज ये दोनों बराबर है चाहे हम लोग नीचे से इसका गिनती करें चाहे ऊपर से करें कोई दिक्कत नहीं है तो गाइज अब आइए हम लोग इसका आयू पी नामकरण लिखते हैं तो गाइज आइए इसे साफ कर देते हैं एक ही नंबर को रहने दे रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो गाइज अब आइए हमने इसका नंबरिंग कर लिया अब गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से क्यों नहीं किए यहाँ से क्यों नहीं किए यहाँ से क्यों नहीं किए इसलिए नहीं किए क्योंकि गाइज यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप जो आया है इसको कम से कम नंबर मिले अब यहीं से अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप से ही गिनती कर दे रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप क्योंकि साइड में है यहीं से गिनती कर दे रहे हैं तो इसको कम से कम नंबर मिल जा रहा है अब अगर यहाँ से करेंगे तो इसको ज़्यादा नंबर मिलेगा तो यह गलत हो जाएगा

साइक्लो साथ के लिए क्या यूज करेंगे हेप्ट अब इसके बाद अब क्या है प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स में क्या यूज करेंगे जैसे इसमें अगर वन बाड आता है आइए लिख देते हैं अगर वन बाड है तो इसके लिए इन डबल बाड है तो वन बांड है, है तो एन डबल बाड है तो इन एंड अगर ट्रिपल बाड है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे आइन आइन तो गाइज अब यहाँ पर क्या है डबल बांड है तो डबल बांड के लिए हम लोग इन यूज करेंगे लेकिन गाइज तीन जगह पर है तीन जगह पर है तो हम लोग इसका पोजिशनिंग दर्शाएंगे टू फोर सिक्स लिखेंगे टू फोर सिक्स ट्राई इन क्यों गाइस ट्राई लिखे क्योंकि ये बांड एक समान है भले ही इनकी पोजीशनिंग अलग है लेकिन ये एक समान है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे टू फोर सिक्स ट्राई इन क्योंकि ये तीन है इसलिए ट्राई लगा अब इन क्यों लगा क्योंकि यहाँ पर डबल बांड है और टू फोर सिक्स क्यों लगा क्योंकि यह इनका पोजिशनिंग दर्शा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा टू फोर सिक्स ट्राई इन टू फोर सिक्स ट्राई इन होने के बाद अब इसके बाद क्या आता है सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है फंक्शनल ग्रुप आता है तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग यहाँ पर इसका भी पोजिशनिंग दर्शाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वन ऑल वन आल तो क्या हो जाएगा साइक्लो पेंट टू फोर सिक्स ट्राई इन वन आल इसका आई यू पी एस सी नामकरण हो जाएगा इस प्रकार से अब गाय जाइए ऐसे साइक्लो में एक और कर लेते हैं जैसे गायज मान लीजिए यह है तो अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे तो गाइज इसमें हम लोगों का रोल पहले क्या कहता है पहले हम लोगों को नंबरिंग करना है नंबरिंग हमें वहाँ से करना है जहाँ से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आया है तो उसे कम से कम नंबर मिले तो गाइज अब यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप भी अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो गाय यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी एक पर ही है और डबल बाड भी एक पर है तो गाय इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को जो है फंक्शनल ग्रुप एक पर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिला और यहाँ पर डबल बाड भी है तो डबल बाड को भी कम नंबर मिला तो इससे कोई दिक्कत नहीं आइए अब हम लोग इसका नामकरण कर देंगे तो नामकरण करेंगे कैसे या कैसा है पहले क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है अब इसके बाद आते हैं दूसरा रोटवर्ड रोटवर्ड में यहाँ पे छे कार्बन है छे कार्बन यूज करने के पहले साइक्लिक कंपाउंड है तो इसके लिए यहाँ पे साइक्लो लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइक्लो फिर इसके बाद यूज करेंगे हेक्स गए जहाँ पर हाइफन नहीं रहेगा है। साइक्लो हेक्स अब इसके बाद क्या है प्राइमरी सफेद प्राइमरी सफेद क्या होता है अगर फर्स्ट बांड रहेगा तो एन सेकंड बांड रहेगा तो इन ट्रिपल बांड रहेगा तो आइन तो अब यहाँ पर क्या है डबल बांड है तो डबल बांड के लिए क्या यूज करेंगे एन तो यहाँ पर इसका पोजीशनिंग भी दिखाएंगे तो हेक्स वन इन हो जाएगा हेक्स वन इन फिर इसके बाद क्या आता है सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स में क्या है ओ एच है ओ एच के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे ऑल तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन इन ऑल ऑल तो इसका क्या नाम कर हो जाएगा साइक्लो हेक्स इन ऑल तो है साइक्लो कंपाउंड का इस प्रकार से आई यू पी एस सी नाम होता है साइक्लिक कंपाउंड का इसके लिए रूल क्या होता है रूल इसिया होता है कि इसमें पहले प्रीफिक्स को करेंगे फिर वर्ड को, फिर को, फिर को 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 करेंगे प्रे -प्रे में आएगा, आएगा, नाइट्रो आएगा प्रोपिल अगर गाइज आप लोग पुराना वाला लेक्चर जो पहला दूसरा लेक्चर है अगर आप नहीं देखे होंगे प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिएगा क्योंकि गायज मैंने वहां पर प्रीपिक्स रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में पूरा एकदम अच्छे से बताया है तो गायज अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा तब इससे वहां पर देखने के बाद तब आपको यहां पर समझ में आएगा क्योंकि इसका जो बेसिक है मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में दे दिया है तो गाइज आप उसे जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिए तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा तो गाइज अब यहाँ पर इसका रूल यही होता है प्रीफिक्स अब यहाँ पर प्रीफिक्स जैसे यहाँ पर मेथिल है यहाँ पर भी मेथिल है यहाँ पर प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है यहाँ पर भी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है अब प्रीफिक्स को लिखने के लिए प्रीपिक्स पांच पर है तो यहाँ पर हो जाएगा फाइव में तेल फिर यह साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो का यूज़ करेंगे फिर इसके बाद आते हैं रूट रूट रूटवन में पांच कार्बन पांच कार्बन के लिए पेंट का यूज करेंगे फिर इसके बाद आते हैं प्राइमरी सर्फिक्स प्राइमरी सर्फिस में डबल बांड है डबल बाड का पोजिशनिंग दो है तो हो जाएगा टू तो एन हो जाएगा फिर इसके बाद लिखेंगे सेकंडे सफेक्स सेकंडे सफेक्स ओ एच है इसमें क्या हो जाएगा वन आल हो जाएगा तो गाय इसका आई ओ पी नामकरण कुछ इस प्रकार से करते हैं और गाय जैसे मान लीजिए एक दो एग्जांपल और जैसे इसका क्या होगा यह आप लोगों को होमवर्क करना है आप लोगों को इसे बताना है एक हो गया कमेंट करके गाय जिसे आपको बताना है आपको हल करने के बाद इसे आपको घर पर हल करने के बाद बताना है कमेंट करके तो गाइज यह एक और गाइज इन तीनों को आपका होमवर्क है इसे आपको का... लिख करके पूरा इसे हल करके आपको कमेंट करना पड़ेगा गाइस आप लोग इसे कमेंट करेंगे तो देखा जाएगा मतलब आपका आंसर सही है कि गलत और जो भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा तो गाइस यह हो गया एल्कोहल का साइक्लिक नामकरण अब आइए हम लोग ओपन चैन में इसका नामकरण कैसे करते हैं उसे जानते हैं गायज साइक्लिक में नामकरण करते समय पहले तो हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे फिर इसके बाद देखेंगे या कैसा कंपाउंड है साइक्लो है साइक्लिक है इसके लिए साइक्लो का यूज करेंगे फिर इसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं रूट वर्ड फिर प्राइमरी सफिक्स फिर आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स और गाइस जिसमें जो सफिक्स होता है एल्कोहल के लिए वह क्या होता है आल होता है आल होता है तो गाइस यह हो गया इसका या एल्कोहल का क्या हो गया साइक्लिक कंपाउंड का आई यू अब गाइज हम लोग ओपन चैन वाला आई नाम करेंगे तो गाइज अब हमने एल्कोहल का जो साइकिल कंपाउंड का आयु पी एस सी नामकरण था पढ़ लिए अब हम लोग इसका जो ओपन चैन में होता है आई पी एस सी नामकरण आइए उसके बारे में जानते हैं तो गाय जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हो गया ऐसे जैसे हो गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच तो गाय इसका आयू पी एस सी नामकरण क्या होगा तो गायज पहले रूल क्या है प्रीफिक्स अब प्रीफिक्स में क्या आता है सारे हाइड्रोजन ग्रुप आते हैं नाइट्रो आता है एल्किल मेथिल एथिल प्रोपिल ये सब आते हैं तो इसमें इस प्रकार का कोई भी ग्रुप नहीं है तो इसमें ग्रुप नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे इसके बाद दूसरा है रूट वर्ड रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम का यहाँ पर कितना है तीन है तीन अगर कार्बन एटम है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे मेथ प्रोप यूज करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर हो गया प्रोप प्रोप फिर इसके बाद गाइज आता है यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स में जैसे अगर वन बाड है तो इसके लिए इन का यूज करेंगे एन का एन का अगर डबल बाड है तो इसके लिए इन और अगर ट्रिपल बाड है तो इसके लिए आइन का यूज करेंगे तो गाइज अब यहाँ पर एक बाड है एकल बाड है तो प्राइमरी सफिक्स में क्या यूज होगा पहले तो हम लोग पहले तो रूट वर्ड लिखेंगे ना रूट वर्ड में हम लोग कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखे नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें तीन था वन टू थ्री थ्री के लिए यहाँ पे प्रोप का यूज किए अब इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स में क्या देखेंगे बॉन्ड कौन सा है तो गाए जिसमें सब सब के बीच में फर्स्ट बॉन्ड है एकल बॉन्ड है तो एकल बॉन्ड के लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे एन तो क्या आ जाएगा प्रोप एन प्रोप एन गाइज ई हट जाता है तो हो जाएगा प्रोपेन इसके बाद यहाँ पर ओ एच है प्राइमरी सफिक्स बाद सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स में ऑल फंक्शनल ग्रुप आते हैं क्रियात्मक समूह आता है तो फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर ओ एच है तो ओ एच के लिए क्या यूज हो जाएगा ऑल तो इसका क्या नाम हो जाएगा प्रोपेनाल सी एस ट्री सी एस टू सी एस टू ओ एच का क्या हो जाएगा प्रोपेनाल ऐसे गाइज एक और एग्जाम्पल जैसे हो गया सी एच थ्री सी एच इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सी एच थ्री फिर हो जाएगा सी एच टू सी एच थ्री ओ एच तो गाइज आप इसका आई यू पी एस सी नामकरण कैसे करेंगे तो गाइज अगर इस प्रकार का हमें क्वेश्चन आता है तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका लंबा चैन देखेंगे तो गाइस इसमें सबसे लंबा चैन यह है और यह भी हो सकता है गाइज़ यह भी क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन परमाणु है यहाँ पर भी एक कार्बन परमाणु तो गाइज़ हम दोनों को ले सकते हैं जैसे सपोज करिए मैंने इसे लिया तो अब क्या हमारा रूल है कि इसमें यहाँ पर पहले यह भी देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप आया है कि नहीं तो यहाँ पे जो है फंक्शनल ग्रुप वह आया है तो अब हम लोगों का रोल क्या कहता है कि हम लोग नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले तो गाइज अगर अब यहाँ से चलेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव फंक्शनल ग्रुप को पाँच पे मिलेगा तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देने के लिए हम लोग यहाँ से चलेंगे तो जगह वन टू थ्री फोर तो गाइज अब इसका नंबरिंग हो गया इधर से क्यों किए क्योंकि इधर से जो अल्कोहल का स्थान है या सफी या जो है फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए यह हमारा रूल कहता है मैं नहीं तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर सबसे कम नंबर मिला फंक्शनल ग्रुप कम नंबर मिला तो अब यहीं से ऐसे नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर अब इसका नंबरिंग हो गया अब रूल क्या कहता है प्रीफिक्स प्रीफिक्स इसमें क्या है यह है मेथिल तो इसके लिए क्या यूज करेंगे पोजिशनिंग भी देंगे तो क्या हो जाएगा थ्री मेथिल थ्री मेथिल फिर इसके बाद क्या है रूट वार्ड. रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने कार्बन है एक दो तीन चार तो इसके लिए क्या यूज करेंगे ब्यूट मेथिल ब्यूट अब इसके बाद प्राइमरी सबेक्ट प्राइमरी सफिक्स में क्या देखेंगे सिंगल है डबल बॉन्ड है ट्रिपल है तो बाइज इन सब के बीच सिंगल है तो सिंगल के लिए यहाँ पर एन का यूज करते हैं एन में ई हट जाता है तो हो जाएगा थ्री मेथिल ब्यूटेन फिर इसके बाद गाय सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स में क्या आते हैं फंक्शनल ग्रुप आते हैं जो है सेकेंडरी सफिक है इसमें सब क्या आते हैं फंक्शनल ग्रुप तो गाइज अब फंक्शनल ग्रुप आया तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या हो जाएगा ऑल तो यहाँ पर इसका यूज कर देंगे तो हो जाएगा थ्री मेथिल ब्यूटेनाल थ्री मेथिल गाइज इस प्रकार का हमें अगर क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले लंबी चैन को ढूंढेंगे लंबी चैन को ढूंढने के बाद रूल के अनुसार हम लोग इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप आया उसको कम से कम नंबर मिले तो गाइज यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यहाँ था अगर यहाँ से चलते तो फंक्शनल ग्रुप को पाँच पे स्थान मिलता तो यह गलत हो जाता इसलिए हमने इधर से चला और ग्रुप को एक पर स्थान मिला तो अब एक पर स्थान मिल गया और मेथिल को थ्री पर अब इसके बाद रूल के अनुसार चलें तो प्रीफिक्स प्रीफिक्स इसमें क्या है मेथिल है मेथिल का पोजिशनिंग क्या है थ्री तो थ्री मेथिल फिर इसके बाद रूटवर्ड रूटवर्ड में क्या है चार कार्बन है चार कार्बन के लिए ब्यूट इसके बाद प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बैंड है सिंगल बैंड के लिए एन का यूज़ करेंगे फिर सेकंड्री सफिक्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वह ओ एच है ओ एच के लिए आल का यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा थ्री मेथिल ब्यूटे नाल अब इसके बाद गए जिसका और एग्जाम्पल जैसे हो गया सी एस थ्री सी एच सी एच टू सी एच के रहेगा यहाँ पर हो जाएगा सी एस थ्री फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सी एच टू ओ एच तो गायज अब मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हो गया तो अब क्या इसका कैसे नामकरण करेंगे तो अब इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है पहले है, पहले क्वेश्चन पाते सबसे उसे लंबी चैन को ढूंढना है तो यह लंबी श्रृंखला है अगर गैज लंबी श्रृंखला हम लोग इसे मानेंगे तो इसमें एक दो तीन ही कार्बन आएगा और अगर लंबी श्रृंखला इसे मानेंगे तो इसमें चार कार्बन आ जाएगा अब गायज हमने मान लीजिए लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया अब इसमें क्या करना है अब सबसे पहले हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप देखना है क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप आया है हाँ इसमें यहाँ पर यह फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आ गया अब इसके बाद हम लोगों का रूल क्या कहता है कि हम लोगों को नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले अगर गाइस अब ऐसा नहीं गाइज यहाँ से बीस से ही स्टार्ट कर देंगे वन टू थ्री फोर जैसे ऐसे वन टू थ्री फोर नहीं गाइज यह गलत है या फिर हम लोग एक साइड से स्टार्ट करें या फिर इधर से स्टार्ट करें या फिर इधर से स्टार्ट करें गाइज ऐसे हम लोग जा सकते हैं 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 लेकिन ऐसे नहीं कि इधर चले गए फिर कुछ देर ऐसे मुड़ के ऐसे चले आए इधर नहीं कि ऐसे चले गए फिर कुछ दूर मुड़ के ऐसे चले आए तो गायज ऐसे नहीं होता है यह सब एकदम गलत है हम लोग ऐसे आ जा सकते हैं ऐसे कि जैसे यहाँ से आ जा सकते हैं यहाँ से इधर ऐसे जा सकते हैं ऐसे आ सकते हैं लेकिन गायज ऐसे बीच में से नहीं वन टू थ्री फोर यह गलत प्रक्रम है तो गैज ऐसे इसका नंबरिंग नहीं होगा तो गैज अब इसके बाद अब हम लोगों का रूल क्या कहता है इसमें फंक्शनल ग्रुप मिल गया अब कम से कम फंक्शनल ग्रुप को स्थान मिले अगर मान लीजिए हम लोग इधर से चलते हैं तो वन टू थ्री फोर फंक्शनल ग्रुप को कौन से स्थान पर मिलता है चौथे स्थान पर तो फंक्शनल ग्रुप को रोल क्या कहता है कि कम से कम स्थान मिले और हम लोग ऐसे गिनती गए हैं तो चार पर मिला है तो गाय जी गलत है और अगर ऊपर से करते हैं तो हो जाएगा वन टू थ्री फोर ऊपर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिला तो यह वाला प्रक्रम जो है सही है तो अब आइए अब हमने मान लीजिए हमने सवाल को पाया सवाल में लंबा चैन को देखा लंबा चैन को देखने के बाद फंक्शनल ग्रुप का पता लगा फंक्शनल ग्रुप का पता लगाने के पश्चात उसका नंबरिंग किया। अब नंबरिंग करने के पश्चात अब आ जाइए रूल में तो रूल में सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यहां पर है तो हो जाएगा टू मेथिल नीचे वाला गलत है, तो हो जाएगा टू मेथिल टू मेथिल अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है रूटवर्ड रूटवर्ड नंबर आप कार्बन एटम तो इसमें चार कार्बन परमाणु हैं चार कार्बन परमाणु के लिए बेउट का यूज करते हैं तो गाइज अब बेउट हो गया अब इसके बाद क्या है प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स में क्या है इसमें बांड को देखा जा रहा है तो अब यहाँ पर सब के बीच एकल बांड है तो एकल बांड के लिए यहाँ पर एन लगा देंगे एन लगाने के पश्चात अब गाइज क्या है सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप ओ एच है ओ एच का सफिक्स क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा तो यहाँ पर ऑल का यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा टू मेथिल बेउटेन आल टू मेथिल ब्यूटे नाल तो गायज अब आइए हम लोग और एग्जाम्पल को करते हैं जैसे अब इसमें हम लोग डबल बांड को देखेंगे अभी तक यार जितना हम लोगों ने किया सब सिंगल बांड था, आसानी से हो गया अब आइए हम लोग डबल बांड को देखते हैं जैसे हो गया सी एच थ्री जैसे गाइज हो गया सी एच थ्री बाच डबल बांड सी एच बांड सी एच यहाँ पर हो जाएगा यनो टू फिर यहाँ पर हो जाएगा ओ एच तो गाइज अब आइए इसका आई यू पी एस सी नामकरण कैसे करते हैं तो गाइज हमारा रोल क्या कहता है कि हमें सबसे पहले गायज अब फंक्शनल ग्रुप है है यहाँ पर OH और यहाँ पर प्रीफिक्स आ गया नाइट्रो तो प्रीफिक्स क्या होते हैं जो मेन ग्रुप में ना आए लंबी चैन में ना आए उसे प्रीफिक्स कहते हैं तो गैज अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों का मेन चैन यही है अब हम लोग इसका आई ओ पी एस सी नामकरण कैसे करेंगे तो गैज हमारा जो रूल है रूल क्या कहता है अगर हमें इस प्रकार की संरचना मिलती है तो सबसे पहले हम लोग इसमें फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो क्या हमें इसमें फंक्शनल ग्रुप मिला हाँ हमें फंक्शनल ग्रुप मिला फिर इसके बाद अब क्या है अब हम लोग इसमें नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हमें इस प्रकार से करना होता है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले तो न कम से कम अंक कहाँ से मिलेगा अगर गाइज हम लोग यहाँ से करेंगे तो वन टू थ्री फोर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको चौथे पर नंबर मिल रहा है और अगर इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर तो गाय हमें फंक्शनल ग्रुप का सबसे कम अंक कहाँ से मिला ऊपर वाले गिनती से तो इसलिए हम लोग नीचे वाले गिनती को छोड़ देते हैं नीचे वाले गिनती को छोड़ देते हैं अब हम लोग ऊपर वाली गिनती को देखते हैं तो गाइस अब हम लोग नंबरिंग भी कर लिए गाइस यही रूल होता है अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप आता है फंक्शनल ग्रुप के बाद अगर डबल बांड आया और प्रीफिक्स आया है तो हम लोग यह वरीयता देंगे कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले फिर डबल बांड को कम अंक मिले फिर इसके बाद सफिक्स आए तो गाइस इसमें हम लोग सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को कम अंक पर लाते हैं फिर इसके बाद सेकंड बाड को कम आ, गिनती तक लाते हैं तो गाइज अब हमने मान लीजिए यहाँ पर नंबरिंग कर लिया नंबरिंग हो गया है अब हम लोग रोल के अनुसार चलेंगे रोल में सबसे पहले क्या लिखा है प्रीफिक्स प्रीफिक्स क्या है नाइट्रो इसका पोजिशनिंग क्या है वन तो क्या लिखेंगे वन नाइट्रो वन नाइट्रो फिर का क्या है रूट वर्ड रूट वर्ड में कितने कार्बन परमाणु चार चार के लिए क्या हो जाएगा बियोट चार के लिए क्या हुआ बीओ अब इसके बाद गाइस प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स में हम लोग देखेंगे फर्स्ट बांध सेकंड बांध ट्रिपल तो अगर सिंगल है सिंगल के लिए एथ का यूज करेंगे अगर डबल बाड है तो एन ट्रिपल बाड है तो वाइन तो गाइस यहाँ पर क्या है यहाँ पर यहां हम लोगों को डबल बाड मिला डबल बाड का पोजिशनिंग क्या है टू तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीओट टू इन क्या हो जाएगा वन नाइट्रो ब्यूट टू इन फिर इसके बाद सेकंडरी सफेक्स सेकंडरी सेफिक्स क्या है ओ एच है ऑल है तो इसमें गाइज अगर हम लोग वन लगा देते हैं तो यह भी सही है नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं वन नाइट्रो ब्यूटेट टू इन ऑल गाइज दोनों सही है आप चाहे जैसे लिखिए दोनों इसमें सही है तो इसका क्या आयु पी एस सी नामकरण हो जाएगा वन नाइट्रो बे बेट टू इन वन आल इसका आयु पी एस सी नामकरण हो जाएगा तो गायज अब हम लोगों ने डबल का कर लिया अब आइए हम लोग ट्रिपल का करते हैं जैसे गाय में क्या हो गया सी ट्रिपल बाएस टू बाड सी एस टू ओ एच तो गाइज हमें इस प्रकार का मिला आइए यहाँ पर सफिक्स लगा देते हैं यहाँ पर हो गया फ्लोरो यहाँ पर हो गया क्लोरो तो गायज अब आइए इसका आयु पी एस सी नामकरण कैसे करते हैं तो गाइज यह दोनों तो सफिक्स है इससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है मेन चैन हम लोगों का ये है अब मेन चैन मिला अब इसके बाद हमारा रूल क्या कहता है पहले हम लोग इसमें देखेंगे फंक्शनल ग्रुप तो गए जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यहाँ है मेन फंक्शनल ग्रुप इसके बाद बाड यहाँ पर है तो अब हम लोगों का रोल क्या कहता है कि हम लोगों को नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले तो अब फंक्शनल ग्रुप अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को कौन सा अंक मिल रहा है चौथा तो यह सही नहीं है तो इसलिए गाय जिसमें नंबरिंग यह गलत है क्यों गलत है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मेन वाला यह है।, है, है जो होता है यह भी होता 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 है, 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 जो यह भी functional group होते हैं, लेकिन ये main नहीं होते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप यह है तो मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम अंक मिलना चाहिए तो हम लोग गिनती यहाँ से करेंगे वन टू थ्री फोर अब ऐसे कर दिए तो सबसे कम नंबर किसको मिला मेन फंक्शनल ग्रुप को मिला तो इससे हम लोगों का मेन फंशन ग्रुप को नंबर सबसे कम मिला तो यह हो गया हम लोगों का नंबरिंग अब हम लोग नंबरिंग कर लिए गाय सबसे पहले क्वेश्चन को पाते ही हम लोगों को मेन चैन का चयन करना है मेन चैन का चयन करने के पश्चात देखना है फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं फंसर ग्रुप देखने के बाद हमें बांड को देखना है कि फर्स्ट बांड है सेकंड बांड है ट्रिपल बांड है फिर इसके बाद यह बांड को देखने के पश्चात फिर हमें क्या देखना है रोल को देखना है तो गैज अब आइए हम लोगों ने नंबरिंग कर लिया अब नंबरिंग करने के पश्चात हम लोगों का रोल क्या है कि सबसे पहले प्रीफिक्स का यूज करेंगे अब गायज यहाँ पर दो प्रीफिक्स आए हैं एक है फ्लोरो एक है क्लोरो तो गैज अगर जब कभी भी दो या दो से अधिक प्र, प्रीफिक्स आते हैं तो हम का हम उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के अनुसार करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है यहाँ इसका सबसे पहला वर्ड क्या है सी इसका पहला लेटर क्या है एफ तो ए बी सी डी में सबसे पहले कौन आता है सी आता है तो इसलिए इसका नामकरण ऐसे करेंगे हो जाएगा वन क्लोरो फिर इसके बाद इसका टू फ्लोरो वन क्लोरो टू फ्लोरो वन क्लोरो टू फ्लोरो अगर गाइस कभी भी चैन में दो या दो से अधिक प्रीफिक्स आते हैं तो उनका नामकरण हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के अनुसार करते हैं तो यहाँ पर सी पहले आता है तो इसलिए यहाँ पर वन क्लोरो लिखा गया फिर टू फ्लोरो लिखा गया अब रूल क्या है प्रीफिक्स हो गया फिर रूट वर्ड रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने कार्बन एटम है चार है एक दो तीन चार तो क्या हो जाएगा बियोट फिर इसके बाद क्या है प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स में बांड को देखा जाता है फर्स्ट बांड है तो एन सेकंड बाड है तो एन ट्रिपल बांड है तो आइन तो यहाँ पर गैज क्या है यहाँ पर ट्रिपल बांड है ट्रिपल बांड आया तो सिंगल बाड को किसी भी प्रकार की कोई मान्यता नहीं तो अब यहाँ पर यह जो है ट्रिपल बांड है अब ट्रिपल बांड का पोजिशनिंग क्या है थ्री अब गैज आप लोग सोच रहे हैं फोर क्यों नहीं मान रहे हैं क्योंकि गैज फोर four... थ्री पे ही यहाँ से बांड स्टार्ट हुआ है ना थ्री को लेंगे फोर को नहीं लेंगे क्योंकि फोर ज़्यादा हो जा रहा है थ्री कम है तो यहीं यहीं से बांड इससे जुड़ा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर थ्री लेंगे तो अब क्या है प्राइमरी सफे यहाँ पर मिला ट्रिपल बांड ट्रिपल बांड का पोजिशनिंग क्या है थ्री तो क्या हो जाएगा थ्री आइन थ्री आइन गया इन इसमें वाई ए नहीं लगाएंगे ई हटा देंगे तो हो जाएगा थ्री आइन अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर एल्कोहल है एल्कोहल का पोजिशनिंग क्या है वन है और इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं आल तो हो जाएगा इस प्रकार से वन क्लोरो टू फ्लोरो ब्यूट थ्री वाइन वन आल वन क्लोरो टू फ्लोरो बेउ टू आई पी एसी नामकरण हो गया आइए गाइज और एग्जाम्पल को ले लेते हैं जैसे मान लीजिए जैसे हो गया सी बांड, सी डबल बांड सी यहां पर हो जाएगा यन ओ टू यहां पर हो जाएगा सी एच टू यहां पर हो जाएगा ओ एच तो गाइज अब हम लोग इसका आईओ पी नामकरण कैसे करेंगे गाइज यहां पर हो जाएगा एच हो जाएगा बस सही है तो गायज अब हम लोग इसका आईओ पी एस नामकरण कैसे करेंगे तो गायज इसका आईओ पी एस सी नामकरण करने से पहले मान लीजिए यह हम लोगों को क्या मिला यह प्रीफिक्स है मेन चैन हम लोगों का ए है तो मेन चैन हम लोगों को मिल गया अब क्या है हमारा रूल क्या कहता है कि हमें नंबरिंग वहां से करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां पर आया यह मेन फंक्शनल ग्रुप है तो यहां पर आया तो इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे अब गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रिपल बांड है यहाँ पर और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है तो कहाँ से करेंगे तो गाइज ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को छोड़ेंगे हम लोग सबसे पहले अपने फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप हम लोगों का यहाँ है मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ है तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव तो नंबरिंग हमने इधर से कर लिया फाइव तो हमने मेन चैन भी चुन लिया इसके बाद फंसलग्र को देकर नंबरिंग कर, कर लिए अब आते हैं रूल की तरफ तो रूल में सबसे पहले क्या लिखना है प्रीफिक्स प्रीफिक्स यहाँ पर है नाइट्रो नाइट्रो का स्थान कितना है दो तो हो जाएगा टू नाइट्रो इसके बाद क्या है रूट वर्ड, रूट वर्ड।, रूट वर्ड में यहाँ पर कितने कार्बन पांच कार्बन पांच कार्बन के लिए क्या यूज होता है पेंट तो हो जाएगा टू नाइट्रो पेंट फिर इसको आप प्राइमरी सफिक्स अब गाइज यहाँ पर प्रॉब्लम आया है कि यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स में डबल बाइंड भी आया है और ट्रिपल बाइंड भी आया है तो गाइज हमें घबराना नहीं है डबल बाइंड का बाड का पोजीशनिंग टू है ट्रिपल बाइंड का पोजीशनिंग फोर है अगर गाइज जैसे मैंने आपको बताया था अगर ग्रुप में दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रीफिक्स आते हैं तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के अनुसार करते हैं ठीक उसी प्रकार हम लोग डबल बाड और ट्रिपल बांड को भी लिखेंगे लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के अनुसार अगर गाइड डबल बाड है तो इसके लिए हम लोग इन का यूज करेंगे और अगर ट्रिपल बांड है तो इसके लिए हम लोग आइन का यूज करेंगे तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आता है ई और वाई क्या आता है बाद में आता है तो इसलिए हम लोग इसका पोजिशनिंग इसमें हम लोग दूसरे बा को तीसरे बण्ड दोनों को लिखेंगे उसका पो, पोजीशनिंग भी देंगे बस इनका अंग्रेजी माला के आधार पर इनका नाम लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा पेंट टू इन फिर फोर आइन फोर आइन क्योंकि गाइज अगर डबल बांड व ट्रिपल बांड आते हैं तो हमें घबराना नहीं है जैसे एक से अधिक प्रीफिक्स आते हैं तो अंग्रेजी वर्डमाला के आधार पर पोजिशनिंग लेके उनका नाम लिखते हैं ठीक उसी प्रकार दो या दो से अधिक या ट्रिपल बांड व डबल बांड आते हैं तो हम लोग उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के अनुसार करते हैं तो गायज अब यहाँ पर डबल बांड को ए लिखते हैं ट्रिपल बांड को आइन अब डबल बांड में ई पहले आता है और वाई बाद में आता है अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर तो इसलिए हम लोगों ने पहले यहाँ पे टू एन लिखा फिर फोर आइन लिखा फोर आयन लिखने के पश्चात गायज रूट वर्ड हो गया प्राइमरी सफिक्स हो गया अब आता है सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स में यहाँ पे क्या है सेकेंडरी सफिक्स ओ एच है ओ एच का पोजीशनिंग क्या है वन है तो क्या हो जाएगा फोर इन वन और इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं ओ एच के लिए ऑल तो इसका गाइज आई पी एस सी नामकरण हो जाएगा क्या हो जाएगा टू नाइट्रो पेंट टू इन फोर आईन वन ऑल तो इसका आई यू पी एस सी नामकरण कुछ इस प्रकार से हो गया तो गाइज आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा गाइज सबसे पहले हम लोगों को इसमें अगर मान लीजिए ऐसे कई चैन दिया है तो हमें मेन चैन का चैन करना है फिर फंक्शनल ग्रुप को देखना है फंक्शनल ग्रुप को देखने के पश्चात अगर उसमें डबल बाड व्रिपल बांड डबल बांड ओनली डबल बाड या ओनली ट्रिपल बांड दिया है तो हमें फंक्शनल ग्रुप को ऐसे गिनना है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले अब फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिला फिर इसके बाद आगे हम लोग रूल पे रूल पे सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे तो गाय जैसे हमने यहाँ पर प्रीफिक्स क्या लिखा टू नाइट्रो नाइट्रो प्रीफिक्स है इसके बाद रूट वर्ड रूट वर्ड

टू इन फिर इसका फोर बाड में फोर जो ट्रिपल बांड होता है इसमें वाई बाद में आता है तो इसमें फोर आइन हो गया फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स में सब कुछ फंक्शनल ग्रुप आता है तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग यहाँ पर लिख दिए वन और इसका फंक्शनल ग्रुप वो एच का सफिक्स क्या होता है आल होता है तो यहाँ पर आल लगा दिए तो गायज इस प्रकार से इसका आई यू पी एस सी नामकरण हो गया तो गैज मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग इसे करके बताइएगा गैज मैंने आपको साइक्लिक कंपाउंड का आयू पी एस सी नामकरण व ऐसे चैन का आई यू पी एस सी नामकरण बता दिया है अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा आपके कमेंट को पढ़ करके उसका उत्तर दिया जाएगा तो गाय आपको होमवर्क मिल रहा है आप लोग होमवर्क नोट कर लें और उसका इसे हल करके आपको बताना है जैसे मान लीजिए क्या हो गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच बी आर ओ एच यह हो गया और क्या हो गया सी एच थ्री सी डबल बांड सी ट्रिपल बॉन्ड सी ओ एच इसे आपको करना है फिर इसके बाद पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा क्या होगा सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ फिर डबल बॉन्ड सी बॉन्ड सी एच टू ओ एच यहाँ पर केवल सी एच रहेगा यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरो और यहाँ पर हो जाएगा क्लोरो इसमें आपको घबराना नहीं है आप लोग आसानी से कर लेंगे सिर्फ आपको इसमें करना क्या है इसमें तो ये आराम से हो जाएगा इसमें मेन चनिया हो गया इसके बाद दो प्रीफिक्स आए हैं तो इनका अंग्रेजी वर्ड माला के आधार पर अंग्रेजी वर्ड माला के लेटर के आधार पर इनका नामकरण कर देंगे पहले बी आता है तो इसमें वन प्रोमो टू नाइट्रो बता क्यों ना ऐसे आप लोग कर लीजिएगा फिर इसके बाद इसका है इसमें क्या हो जाएगा इसमें ट्रिपल बॉन्ड आया है और फंक्शनल ग्रुप आया है तो हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप देखना है तो हम लोग गिनती कहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले तो गिनती इधर से करेंगे फिर इसके बाद इसका आई यू नाम कर लिख देंगे ट्रिपल बॉन्ड आया है तो इसके लिए आयन लिख देंगे इसका पोजिशनिंग दर्शा देंगे अब गैज इसमें आप लोग घबरा रहे होंगे क्योंकि क्यों इसमें दो से अधिक प्रीफिक्स मिल गया तो गैज घबराने की कोई बात नहीं है यहाँ से आपको फंक्शनल ग्रुप दिखा फंक्शनल ग्रुप दिखने के बाद आप लोग इधर से इसे नंबर बनिंग कर दीजिएगा क्योंकि पांच सरल गुरु को कम से कम अंक मिले फिर इसके बाद अब यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इसका नामकरण कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर दो से अधिक प्रीफिक्स आए हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पर अगर आप इसका नामकरण करेंगे तो इसमें सी पर बी सबसे पहले फिर सी बाद में फिर एफ बाद में आएगा इसका पोजीशनिंग दर्शाके फिर अंत में ऑल लगा दीजिएगा तो गाइस बस आज का वीडियो यहीं तक आई होप कि पूरा वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी अगर कहीं पर कोई भी गलती या अगर आपको समझ में ना आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कमेंट को पढ़ के उसका उत्तर दिया जाएगा तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत